टीवी न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर आप सब ने देखा ही होगा कि कैसे भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए एक विवादित बयान ने दुनिया भर में हल्ला मचा दिया। इसे लेकर कई मुस्लिम देशों ने मांग की कि भारत सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इस विवाद के मद्देनजर भाजपा ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय की ओर से प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान रांची में 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसी दिन AIMIM के महाराष्ट्र से सांसद इम्तियाज जलील ने नुपुर शर्मा के बयान के बारे में ये कहा कि इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है। यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है, हम भी ये मांगनी करते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए करके, वरना अगर उसे आसानी से छोड़ दिया गया तो उसका कोई अंत ही नहीं रहेगा। हम तो ये कह रहे हैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक गुरु, किसी भी हमारे नबी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ऐसा कानून लाया जाए कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हो रही है, इस वजह से पार्टी से निकालना ये कार्रवाई है। A9 ने 37 सेकंड का ये वीडियो ट्वीट कर कहा कि इम्तियाज जलील ने नुपुर शर्मा को फांसी देने की बात कही, लेकिन कुछ ही वक्त में सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि A9 ने इम्तियाज जलील के बयान को गलत तरीके से पेश किया। यूजर्स ने दावा किया कि इम्तियाज नुपुर शर्मा को फांसी नहीं देने की बात कर रहे थे। जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह ने यही दावा ट्वीट किया। NDTV की गार्गी रावत और फ्रीलांस जर्नलिस्ट अलीशान जाफरी ने भी यही दावा किया। तो क्या वाकई में ANI ने इम्तियाज जलील को गलत रूप से कोट किया है? ऑल्ट न्यूज ने जांच में पाया कि सोशल मीडिया यूजर्स का दावा गलत है। ये जानने के लिए सबसे पहले तो आप ये वीडियो ध्यान से सुनिए। इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है। यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है, हम भी ये मांगनी करते हैं कि हम भी ये मांगनी करते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए करके, वरना अगर उसे आसानी से छोड़ दिया गया तो उसका कोई अंत ही नहीं रहेगा। वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि हम भी ये मांगनी करते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। यहाँ मांगनी शब्द को गलत रूप से समझा गया। ध्यान दें कि इम्तियाज जलील की मूल भाषा मराठी है और मांगनी शब्द मराठी है, इसका मतलब है मांग करना। ऑल्ट न्यूज ने मराठी और गुजराती भाषा के जानकार से बात की। उन्होंने बताया कि इम्तियाज वीडियो में मांगनी कहते हैं, न कि मांग नहीं। गली न्यूज ने इम्तियाज जलील के भाषण का एक और वीडियो अपलोड किया। इसमें वो नुपुर शर्मा को फांसी देने की बात कह रहे हैं। नुपुर शर्मा को फांसी देना है तो औरंगाबाद के इसी चौराहे के अंदर उसे फांसी दे। यानी यहाँ साफ हो जाता है कि ANI ने इम्तियाज जलील को गलत रूप से कोट नहीं किया है, उन्होंने वाकई में नुपुर शर्मा को फांसी देने की बात कही थी।